विधानसभा चुनाव 2023 जिस चुनावी सभा में उदयपुर शहर में हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय वसुंधरा राजे जी, मंच पर मंचा सेठ जी, यहाँ के यशस्वी सांसद आदरणीय सुभाष चंद्र जी भैरिया साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रसाद जी मेवाड़ा साहब, यहाँ के प्रभारी जी पूर्व विधायक आदरणीय रामबाई जी गुजर साहब, हमारे संभाग के सह प्रभारी आदरणीय अतर सिंह जी भटाना साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजित लापरा शहर और आस पास के बधाए हुए सभी प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और माध्यम शक्ति, सर्वप्रथम मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ कि आप कितनी बड़ी संख्या में कितनी देर होने के बावजूद भी आप विराजे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में मुझे आशीर्वाद देकर आप सब लोगों के बीच में भेजा था 2018 से 2023 तक प्रदेश में जो एक सरकार थी, इस सरकार के समय में 2 साल का कोरोना काल भी आया था। कोरोना काल में भी इस सरकार के लोग होटलों में थे, बाराबंकी में थे, आप सब लोगों ने देखा है। और कोरोना के टाइम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार में प्रत्येक कार्यकर्ता हम सब लोग गाँव में थे, लोगों के बीच में थे, हर तरह की सेवाओं में हम सब लोग लगे हुए थे। जनता को जिस समय इस सरकार की जरूरत थी, जनता सोच रही थी उस समय ये सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा और उनको संभालेगा, उस समय ये सरकार में बैठे हुए लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब सहित सारे के सारे लोग होटलों में थे और भाड़े रंगों में थे, हम सब लोगों ने नजदीकी से देखा है। आप लोगों ने पिछले 2018 में मुझे आशीर्वाद दिया था, क्योंकि हम सबको आज मेरे को सुनना है, मैं 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करना चाहता हूँ। 2018 में मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, 2018 से 2023 तक सरकार ना होते हुए भी, सरकार के विपक्ष में होते हुए भी, आप सबकी जो आवाज थी आसिम हुडा विधानसभा की, प्रत्येक जनता की आवाज बनकर के मैंने विधानसभा में आपकी आवाज उठाई। कोई भी मुद्दा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर विषय को मैंने विधानसभा में रखने का पूरा प्रयास किया। आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने मेरा काम भी देखा है, मेरा काम करने का तरीका भी देखा है। और मैं जनता के बीच में 36 जात के लोगों के बीच में रहा हूँ, आप सब लोगों की पूरी कृपा रही, आशीर्वाद रहा है। स्थितियां परिस्थितियां चाहे कुछ भी रहो, सरकार हमारी नहीं थी, सरकार में नहीं थे, काम कुछ हुए नहीं है, ये हम भी मानते हैं, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन 5 साल आपके बीच में रहते हुए आप सब लोगों ने बहुत नजदीकी से देखा है। मेरे सामने जो प्रत्याशी है उनमें और मुझमें, आपके भाई में, आपके इस बच्चे में जो कमी है, जो है, जो खूबियां है, वो सब आप लोगों को समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपके भाई पे, आपके इस बेटे पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप भी घर में लगा नहीं सकता, 1 रुपए का भी। ये आप सब लोगों देखा है, आप सब लोग देखा है। आज इस मौके पर आगे मैं वसुंधरा जी हमारे बीच में है, आपकी बहुत बड़ी कृपा रही है राजस्थान के और हमारे आसिम हुडा विधानसभा पर, विशेष तौर से गुलाबपुरा पे। आज के इस मौके पे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा आपके श्री चरणों में, इन 5 सालों में हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ गई, हम 20 साल पीछे चले गए हैं। सरकार हमारी बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत की राजस्थान की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद आप हमें हमारे ऊपर कृपा रखे, और ये जो जनता है, ये आपकी जनता है, आपके लिए फिदा है, आपके लिए जीती मरती रही है। आसिम हुडा विधानसभा पे आपकी विशेष कृपा रहे, यही मेरा निवेदन आप लोग बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब मैं आदरणीय वसुंधरा राजे जी के समक्ष कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं उनसे निवेदन करूं बाद में। ठीक ठीक वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे संभालने आए हैं आपको, इतने दिन से आपके बीच में यहाँ बैठे हैं। मैं इन लोगों को सबको कह रही हूँ कि आप वापस जाओगे तो आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इन सब की याद आती रहेगी, इसलिए जोर से प्यार दिखाओ। हमारी सांसद लोग हैं श्री सुभाष जी बैडिया, सुभाष जी कुछ ना पड़ेगा,
अब एक चीज कहना चाहूंगी कि सुभाष जी अपने चुनाव में इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना हमको चुनाव में करना पड़ रहा है, इसलिए जोर से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बात सही है जिलाध्यक्ष हमारे प्रशांत जी मेवाड़ा, प्रशांत जी पूर्व विधायक हमारे अतर सिंह जी मडाना, और आप ताली बजाते रहो, थकाना है अभी आपको। अतर सिंह जी उठो। और उसके साथ साथ हमारे पूर्व विधायक हमारे साथी हाउस में इतने दिन मेरे साथ रहे हुए और इतना अच्छा काम करने वाले श्री रामलाल जी गुर्जर, और जिला प्रभारी हमारे सुभाष जी मडाना चले गए थे मुझे याद है, करतार सिंह जी, करतार सिंह जी साहब जो हमारे यहाँ कॉपरेटिव जो मिल था और उसके अंदर डायरेक्टर थे हमारे समय, आप क्या है आप थक गए क्या, अभी तो मेरे पास 10 और हैं। हाँ हाँ जोर से। तेजवीर सिंह जी चूड़ामल अभिजीत सिंह जी बन और अभी आ जाओ जी, युवा नेता अभी तो इनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सब लोग इनको प्यार कर लो जोर से ताली बजा के। और राजेंद्र सिंह जी, हमारे राजेंद्र सिंह जी उठो, बहुत मेहनत करनी पड़ी है आप लोगों को, ये आए हैं और मैंने इनसे पूछा कब आए, तो उन्होंने कहा मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, तो मैंने कहा थोड़े दिन के लिए रुकने वाले हो ना, उन्होंने कहा अगर ये चाहेंगे तो रुकेंगे, तो ये क्यों नहीं चाहेंगे ये तो आप कह रहे हैं आप। इसके साथ साथ हनुमान सिंह जी राठौर, चलो देवयानी राठौर सरपंच आ जाओ भाई, जवानों को तो अपने को थोड़ा सा इंजेक्शन देने की जरूरत है। सरपंच साहब जिंदाबाद, यस यस यस, गुड वेरी गुड। देवयानी राठौर सरपंच 23 साल की, अभी नई नई निकली है और अच्छा काम करने वाली। ऐश्वर्य रावत प्रधान, कमॉन ऐश्वर्य, कमॉन देखो हमारी हमारी महिला ब्रिगेड देख रहे ठीक है। प्रधान जी देवीलाल जी साहू चेयरमैन साहब, कैलाश गुजरात सरपंच साहब, आ जाओ हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सब पदाधिकारी, हमारे सब कार्यकर्ता बंधु जो यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन लोग सबको मेरा प्रणाम। और हमारे सामने सब मंडल अध्यक्ष आ जाओ, एक लाइन लगा के और ताली बजा के सुना दो, बड़ा अच्छा लगा हम लोग सब यहाँ हो, सब स्टेज चमक रहा है, मेरे सामने बैठे हुए ये सब चमक रहा है, जैसे कि घर तक अब बैठो, थोड़ा मजा करके थोड़ा हाँ लोग करके सबसे मिल मिला के अपन यहाँ से जाएंगे, तू खड़ा हो जाए मैं इससे पूछ रही हूँ कपड़ा कहाँ से लाया है, वो कहता है मैं रहने वाला आसन का मैंने खरीदा विजयनगर, मैंने कहा मैंने खाली पूछा कहाँ से लाया कपड़ा, वेरी नाइस बहुत अच्छा है भैया, किसी को इस तरीके का जैकेट से लाना है तो इससे पूछ ले कहाँ से लेके आए। नगर पालिका के हमारे उपाध्यक्ष प्रदीप जी राका अभी अभी आए हैं, चलो सबके सामने इनका भी कर लो। और हमारे बहुत लाडले प्रत्याशी, चलो इधर आओ रावण जी, भैया सुनो, इनको आज अपनी खुद की तारीफ करनी पड़ी, मैंने कहा रुक जाओ यार मेरे को तो आने दो, मैं तुम्हारी तारीफ अच्छी तरह से कर दूं सबके सामने, तो मुझे करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आप लोग सब समझ रहे हो और जितनी तालियां बजा रहे हो जितने प्यार से आपकी तरफ देख रहे हैं, मुझे तो ज्यादा चिंता तो है नहीं कि आगे चल के क्या होने वाला, पर ये तो गुलाबपुरा, और गुलाबपुरा ने हमेशा प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी,
गुलाबपुरा वो जगह थी जहां कोऑपरेटिव मिलकर चलाने का हम लोगों को आप लोगों ने कहा था जब मैं सीएम थी और यहां आई थी, और उस समय 8 साल के लिए उसको चलाने का काम मैंने किया जोर जोर करके जैसे भी, परंतु ये सरकार आई तो आप तो जानते हो कांग्रेस का क्या है, दिल तो पत्थर का ही है, इनको किसी के लिए एक चिंता नहीं होती, ये तो फिर सिर्फ अपना ही सोचते हैं, और जैसे हमेशा करते हैं अपना सोच के बिल को बंद कर लिया। मैंने पूछा कि सब लोगों को ले लिया कि नहीं, अब गनीमत है ले तो लिया, परंतु कैसे नहीं लेते, चुनाव तो आ रहा था तो करना ही था, इसलिए जब उन्होंने लिया लास्ट टाइम उनको मालूम था कि बाद में जब गुलाबपुर आना होगा तो लोग ऐसे बैठने नहीं देंगे। तरोना की बात थी, तरोना की बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, कितने मुसीबत में से निकले अपन राजस्थान के लोग, हर एक जिले के अंदर ऑक्सीजन की कमी, हर एक जिले के अंदर आप लोगों को मालूम है कि दवाई की कमी, इंजेक्शन की कमी, आप लोगों को मालूम है कि कितनी मुसीबत में से हम निकले। मैं इनको कह रही थी जरा जाकर आगे आओ, इतना ही मुझे कहना था कि ये व्यक्ति वो था जिसने अपनी जान जोखिम में डाल करके और जगह जगह पे जाके लोगों की पूछताछ करके उनको मदद करने की, उनको दवा पहुंचाने की, उनको टेलीफोन वगैरह करके और आपके यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, लग के किया और जान को डाल रखे उन्होंने किया, वो इस व्यक्ति ने किया। मैं समझती हूँ उसने आप सबको, और जब मैंने इससे पूछा मैंने कहा तुमको डर नहीं लगा आखिर में जब ऐसे समय में निकलते हो तो डर नहीं लगा, तो कहता है कि इतनी गर्मी थी और अपना परिवार था तो इस परिवार की सेवा में मैं ये सब चीज भूल गया कि क्या था क्या नहीं, मुझे खाली ये देखना था कि मैं जिंदगी और जान बचा सकूं, एक भी जान मेरी वजह से बचा है तो बड़ी बात होगी, और इसलिए मेरे को जो करना था मैंने किया, अपना सोच के नहीं पर मेरे परिवार को सोच। ये तो वक्ति है जो आपके सामने आज है और आपके सामने दूसरे भी आपके बहुत सारे लोग, एक है वो जो धंधा करवाते हैं तो बड़े लोग हो भाई, आप लोगों के सामने तो सब कुछ है, एक वो है जो दलाली करते हैं और फिर एक वो है जो सेवा करता है, तो आपके पास तो सब कुछ है, अब तो खाली ये डिसाइड करना है कि भैया आपने को दलाली चाहिए धंधा चाहिए, सेवा चाहिए ना। क्या है कि हम लोग जब राजनीति में आते हैं ना तो आप लोग इस तरीके से जो हम लोगों को इंजेक्शन लगाते होते हैं तो हम लोगों को ये लगने लगता है कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं, गलत फहमी पाल लेते हैं हम लोग। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी ये 33 कोटि देवी देवता पैर पकड़ के नीचे उतारने का काम भी आराम से कर सकते हैं। मैंने हमेशा सबको कहा है कि हाँ राजनीति के अंदर अपने को दिमाग के बारे में जरूरत है, सब लोग कहते हैं कि जब तक दिमाग से नहीं काम करो तब तक काम ही नहीं होता राजनीति के अंदर, परंतु मैं मानती हूँ कि अगर आपने दिल उस दिमाग के साथ नहीं जोड़ा तो काम अधूरा रह जाता है। आदमी तब जुड़ता है जब दिमाग के साथ आप दिल को भी जोड़ने का काम करो, जब प्यार करते हो एक दूसरे को, जब चिंता करते हो एक दूसरे के बारे में, जब विश्वास करते हो एक दूसरे के ऊपर, तो फिर कौन सी चीज है जो इस परिवार के बीच में दीवारें खड़ी कर सकती है। इन लोगों ने ये जानते हैं कि अगर ये सब पूरा परिवार एक हो जाता है तो फिर क्या मुसीबत हमारी हो जाएगी। मैंने कहा कि जात समाज ये 35 के 35, 36 के 36 जो समाज है वो सबको साथ लेके जब हम चलेंगे तभी तो हमारे क्षेत्र की और हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। मैं सबको ये कहती हूँ कि हाँ मैं राजपूतों की बेटी हूँ, मैं जाटों की बहू हूँ, मैं और अभी कोई मिल जाते तो उनको सबको घेर के लेके वापस नहीं चलती, परंतु मुझे मालूम है कि आपके प्यार से हम लोग आगे चल सकते हैं। आप प्यार दौड़ रहे हो तो हम लोग मारते दौड़ते फिरते, प्यार नहीं देते हो तो डरने से करता है। और मैं सबको कहती हूँ कि आंखों में देखो, जिस दिन आपके सामने का परिवार आपसे आंख चुराने लगता है मानो घर चले जाओ, कुछ नहीं होना है आपके साथ। अगर आंख में आंख मिलाता है तो मान के चलो कि ये आपके साथ कभी चलेगा, क्योंकि आपने सेवा की। मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि आज के जमाने में
कांग्रेस तो ऐसी है जैसे मछली बिना पानी की होती ना, भ्रष्टाचार कांग्रेस के बिना चल ही नहीं सकती, कांग्रेस इसके बारे चल ही नहीं सकती, कोई काम नहीं करती, ओनली भ्रष्टाचार, कोई काम नहीं करती, अपना कि हम अपना घर कैसे बना सकते हैं, कि हम अपना परिवार को कैसे बड़ा बना सकते हैं, हम अपने बेटे को कैसे उनकी नौकरी दिलवा सकते हैं, हम हमें चिंता नहीं है आगे हमारी जनता, ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है सेवा करने वाली पार्टी। सबसे पहले आपके बीच में बैठे हुए, सबसे पहले आपसे पूछेगी और आपसे पूछकर उसी चीज को जमीन पे लाने की कोशिश करेगी, जयपुर से आपके ऊपर नहीं थोपेगी, आपके बीच में बैठकर पता करके फिर उसको जमीन पे लाने की कोशिश करेगी। ये सब लोग जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री थी मुझे याद है हम यहाँ मीटिंग करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, लोगों को जयपुर बुलाते थे, उनसे पूछते थे और उनसे पूछ करके उनको जमीन पे लाने के काम करते थे। आजकल वृद्धावस्था पेंशन, मैं खाली दो चार उदाहरण, वृद्धावस्था पेंशन अगर उस लिस्ट को देखो तो आधे से ज्यादा लोग यहाँ कह रहे नहीं, नाम भी नहीं है, उसके ऊपर जो पैसा बनाया जा रहा है, बताते हैं रोज करीबन 500 करोड़ रुपया का धांधली हुई है, खाली पेंशन ही पेंशन, वो तो आपको भी मालूम है, नाम आपका तो नहीं है उससे, पर तो मालूम नहीं किसका है, उसको टिक लगा के उसके नाम का पेंशन अपने जेब में रखने का काम आराम से करते हैं। भाइयों हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो भी पैसा सरकारी आता था वो पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में हमारी माताओं, जिसमें हमने उनको सम्मान देकर परिवार का मुखिया बनाया था, उस बैंक अकाउंट के अंदर डालने का काम हमने अपनी सरकार के जाकर माताएं, मैंने आप लोगों को कार्ड दिया उसके ऊपर आपकी फोटो लगाई, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा करने का काम करा दिया, सम्मान आपको दिया और उसके साथ हमने आपका वो जोड़ा जो मामा शाह स्वास्थ्य बीमा योजना का वो भी उसकी कार्ड के साथ जोड़ने का काम किया। हमारी सोच ये थी कि महिलाओं के हाथ में हम इतनी ताकत दे दें कि कल को प्रॉब्लम हो जाए, परिवार के अंदर उनके पास पैसा ना हो तो उस कार्ड के ऊपर वो अपना जो भी प्रॉब्लम होता है अस्पताल में जाके करवा सके। हमने उसके अंदर आपके सरकारी अस्पताल को जोड़ा, उसमें हमने आपके प्राइवेट अस्पताल को जोड़ा और 30,000 से 3,00,000 के अंदर पूरे लोगों को जो बिल्कुल ही कमजोर थे उनको जोड़ने का काम किया, उनके ऑपरेशन हुए, उनके हार्ट के ऑपरेशन, उनके कैंसर के ऑपरेशन सब कुछ, और 30,000 से लेकर 3,00,000 में इतना काम पूरे राजस्थान में हुआ, परंतु इन्होंने आके आते ही उसका नाम बदल के उसको चिरंजीवी का नाम दिया और चिरंजीव का नाम देकर उन्होंने सबको उसके अंदर जोड़ दिया, पूरे लोगों को जोड़ दो उतना ही होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरे जैसे लोग को आप कह दो कि चिरंजीवी योजना के अंदर आप फ्री दवाई ले सकते हो तो मैं समझती हूँ कि अनर्थ, ऐसे लोगों को क्यों देना, हम लोग जाके अपना खुद का पेमेंट कर सकते हैं, परंतु आज अस्पताल में देखोगे आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां मर्सिडीज खड़ी है और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, उन लोगों का तो हो रहा है परंतु गरीब आदमी की तरफ कौन झांक के देख रहा है, क्योंकि कोई देखने की जरूरत नहीं है, हमने तो कहा था बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, हम पैसा दे सकते हैं, गरीब की व्यवस्था करने का काम करें और गरीब की व्यवस्था की। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि भैया नहीं आ रही है हाथ में, तो उन्होंने कहा चलो इसको बढ़ा के 5,00,000 करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद का 10,00,000 करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद का 25,00,000 करते हैं, पर अभी 4-5 महीने पहले क्योंकि इलेक्शन आ ही रहा है आप लोग सब जानते हो, 50,00,000 करेंगे तो सबको 50,00,000 की व्यवस्था दवाई आपको देंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोगों को किसी को 50,00,000 का मिलने वाला है, ये तो कहने की बातें हैं, क्योंकि औसतन अगर आप उसको देख ही लोगे तो 10-20,000 से ज्यादा किसी के ऊपर खर्च होता ही नहीं है और उन्होंने 500-600 लोगों के ज्यादा किसी की मदद की भी नहीं, तो बस वही झूठ वही परेब वही बांधने की कोशिश, ये भी वही करते हैं जो इनके नेता करते हैं। हमने आप लोगों के लिए 27-28 लाख किसानों का वादा किया था कि हम आपके कर्जे को माफ करने का काम करेंगे, हमने टाइम बाउंड में आपके कर्जे को माफ किया और आपको सर्टिफिकेट देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी आपके क्षेत्र के अंदर इनके 25,000 किसानों को उनका कर्जा माफ हुआ और उनको सर्टिफिकेट हाथ में मिला।
सिराज बड़े लोग कांग्रेस के इलेक्शन के दो दिन पहले उन्होंने आप लोगों को एक से लेकर दस तक की गिनती सिखाने का काम किया। आप लोग बड़े प्यार से जुड़ गए, एक से लेकर दस तक गिने और गिने और गिने। 10 तारीख 10 दिन हो गए और आपको ये कह दिया कि 10वें दिन में आपके एक एक कर्ज को माफ करने का हम लोग काम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 6 महीने बाद छह महीने बाद मैं सबके बीच में गई, मैंने कहा आपको 10 दिन हो गए, मैं खाली पता करना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास मिला कि नहीं मिला। वो कह रहा है नहीं मिला, नहीं मिला। मैंने कहा फिर क्यों गए? अभी इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पे ले लिया था, रोड बन रहे थे, बिजली का मैंने कर्जा बिल्कुल 10,000 करोड़ तक आ गया था, फिर से 95,000 करोड़ कर दिया है। और मुझे मालूम था कि 10,000 करोड़ से जीरो पे आ जाएगा, कंपनी ठीक चलने लगेगी, तो हम जो आपको बिजली दे रहे हैं वो 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए में आराम से आपको बिजली मिल जाती। ये बड़े बड़े बिल जिसके अंदर आपको करंट लग रहा है, बिजली तो नहीं मिल रही है इसमें करंट लग रहा है, वो आपको हाथ लगाने की उसको जरूरत ही नहीं होती, आपकी परिस्थिति पूरी तरह से ठीक हो जाती। उन्होंने मेरे को कहा क्या करें, आपकी सरकार ने वादा किया, आपने पूरा किया, आपने अपना वादा पूरा करके हम सबको मैंने इसका छुटकारा दे के हमको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। हम सोचे कि ये आ रहे हैं, ये भी सरकार अपनी बनाएंगे, तो अगर इनकी सरकार आएगी तो हमारे सब कर्जे माफ हो जाएंगे। मैंने कहा क्या पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपको ये वाक्य में समझ में आ रही थी कि 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा? कभी हो सका? मैं साहब ने सोचा कि वादा किया तो पूरा करेंगे। मैंने कहा जिस पार्टी जब वादा करती है वो पूरा करती है, ये पार्टी वादा करती है तो ये मान के चलो झूठ बोल रही है, ये कोई काम आपका कर नहीं सकती और न करेगी। बेरोजगार भाई कितने चक्के हुए यहाँ, कितनों को नौकरी मिल गई है जिनने वादा किया था कि सब बेरोजगारों को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे। सब बैठे हैं और सबने जा जाके अपना पेपर किया होगा, सबने 2-2, 3-3 साल तक मेहनत की होगी और आखिर में जाके जब बैठे तो पेपर लीक हो गया, फिर जाके बैठे तो पेपर लीक, फिर जाके बैठे तो पेपर लीक, और 19 बार पेपर लीक। तो बेचारा क्या करेगा, वो तो भारी बैठा हुआ है, उसको तो बेचारे को मौका नहीं मिलने वाला है। बेरोजगारों को अभी कह रहे हैं कि बेरोजगारों को हमने नौकरी दी है, वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने ये तय कर लिया है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो जिन लोगों ने ये बदमाशियां की हैं उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी, 70 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को ताक पे रखने का काम किया, फिर वादा किया हमारी महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। आपको याद है वो बेटी के साथ क्या क्या किया और क्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके किस तरीके से उसको फेंक के रखा? जिस सरकार के अंदर हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं है, जिस सरकार के अंदर हमारी बच्चियों के साथ इस तरीके का हाल होता है, उस सरकार के अंदर उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है, आप खुद ही सोच सकते हो। महिला की सुरक्षा का तार तार करने का काम अगर किसी ने किया है तो इन्होंने किया। भूल जाओ भाई, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बिजली की बात आप जो कर रहे हैं, हम तो फ्री यूनिट दे रहे हैं, जो बिजली नहीं आ रही तो क्या फ्री यूनिट देंगे? आप जाते हो खेतों के अंदर, 18 घंटे बिजली आ रही है तो 18 घंटे में कितने कट होते भाई? कट होता क्या? 18 कट मिलेंगे मिलेंगे। और 72 घंटे में आपको जनरेटर ट्रांसफॉर्मर देने की बात करते हैं, कब मिलती है 72 घंटे में? वो तो हमारी सरकार के टाइम में वादा किया था तो हम लोगों ने आपको दिया है और तो इन्होंने कभी दिया नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। अब मैं थोड़ा सा आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा, ऐसे फालतू में नहीं, अपने को मालूम तो करना है और इनको भी मालूम करवाने की जरूरत है। मेरे को ये बताओ 33 केवी के 9 GSS आपके कंप्लीट हो गए कि नहीं? 11 करोड़ की लागत से तांबा कटार बड़ा सुखी और नेक दिया और दिया सर आमेसर और फलाम फलाम हुआ कि मेरे टाइम क्यों कर रही हूँ, इनके कांग्रेस के टाइम थोड़ी कर रही हूँ। 320 की लागत के अंदर चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, ये आप लोगों को पानी देने का काम हम लोगों ने किया था। और गुलाबपुरा क्लस्टर फेज 2 एंड पैकेज 3 के अंदर 59 गांव को पेयजल उपलब्ध कराया गया, पर अभी भी जो टंकियां बननी है वो नहीं बनी है और कई गांव ऐसे हैं जो आज भी छूटे हैं। पैसे की कमी नहीं थी भाई,
320 करोड़ रुपए वैसे ही देके रखे थे, टेक्निकल सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन आपके सब हो चुके थे, बस इच्छा शक्ति की कमी है। ये कांग्रेस वाले जो करते हैं नहीं कर सकते, हाँ हाँ करेंगे, परंतु आगे उसको भी बढ़ाने का काम करेगा। 11 करोड़ शहरी जल योजना के अंदर और आपके गुलाबपुरा उरियाना वाला जो 74 किलोमीटर सड़क, उस पर 290 करोड़ रुपया और 248 करोड़ की लागत से आपका ये भीड़ चित्तौड़गढ़ वाला रोड, आपके 48 सड़क डामरीकरण, आपके 14 करोड़ विभिन्न कई विद्यालयों को ठीक करने का काम, और आपके सभी पंचायतों के अंदर ग्रामीण दौलत पथ बने के लिए बने भाई मैंने ये कहा था कि महिलाओं के लिए सिंगल फेज बिजली पहले कभी राजस्थान में नहीं हुआ, पहली दफा उस पिछले बार हम लोगों ने आपके यहाँ ये सिंगल फेज की बिजली लगाई, ताकि आपको एक लट्टू, एक पंखा, एक कूलर, ठंडा पानी, बच्चा पढ़ रहा है तो उसको एक लट्टू के नीचे बैठने का मौका मिल जाए, वो आप लोगों की वजह से किया। ये खेत से थके मांगे आएंगे, 21 डिग्री गर्मी होगी तो उसमें ठंडा पानी देने को आप दे सकोगे, ये स्थिति करके आपको दिया। ये 22 जो आपको घंटे मिलने का था इसको बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। सिंगल फेज की बिजली को जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करके सब घरों में लगाने का काम किया था, नहीं हुआ। मैं अभी आपके जल जीवन मिशन को जिस सरकार ने आप तक भेजने की कोशिश की है, उसमें आप मेरे को ये बताइए कि सब हमारे गौरवपूर्ण पथों को उधेड़ने का, मैंने तोड़ने का, उसमें से पाइपलाइनें डालने का, तहस नहस करने का काम इस जल जीवन मिशन ने कराया कि नहीं कराया? हम लोग तो कहते हैं अशोक गहलोत जी कर क्या रहे हो, इतना पैसा खर्च करके हम लोगों ने ये काम किया, उसमें से हर जगह के ऊपर एक नीला सा पाइप निकाल के किसी घर के सामने आप निकाल के कह देती हो कि हो गया पानी मिल गया, अब वो पानी तो निकले उसमें से, खाली नीला सा पाइप निकालने से वो पूरा रोड शोर सब होता टंकिया। भाइयों जो पुरानी टंकी, इनको इतना पैसा है कि लोग नई टंकी बनानी चाहिए, परंतु पुरानी टंकी में पाइप और एक घुसेड़ दो, वहां एक पुरानी पाइप तो वैसे ही लग रही है, उस पाइप से करीबन 100 लोगों को पानी मिल रहा है, नया एक पाइप घुसेड़ने के बाद जो पानी वो 100 को मिल रहा था वो भी नहीं उनको मिल रहा है, नए लोगों को तो भूल जाओ, सवाल ही नहीं उठता है, ये हालत हो रही है। जो रोड है हम लोगों ने बनाया, इन लोगों ने कहा आराम से अब इस रोड को घिस घिस के चलो, अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें क्या मालूम पिछले बार अगले बार हम आएंगे कि नहीं आएंगे, जब तक ये सड़कों को इस्तेमाल कर उसकी मरम्मत करने का कोई नाम और निशान नहीं है, उसको ठीक करने का या नई सड़क बनाने का कोई काम नहीं। हम लोगों को कहते हैं कि आप लिस्ट बना के दो, हम लिस्ट बना के देते हैं, पर बताओ आपने कितने रोड बनाने के लिए आपको पैसा दिया। ये है अशोक गहलोत की सरकार। मैं तो आज आप लोगों को इतना ही कहने आई हूँ, मुझे कि मौका मिल गया है तो मैंने कहा कि एक सरेरी डैम और सिंचाई की नहरों का जीर्णोद्धार का कार्य आपका अभी अधिगम करा हुआ है, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस तरीके से यहाँ सब लोग क्या दे रहे हैं, आप तो जीत ही जाओगे, और जब जाओगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसके अंदर आपको इनकी सबकी आवाज उठाने की जरूरत है, इससे उनको मेहनत, इससे इनको सबको फायदा होगा। इसी तरीके से मैं मानती हूँ सवाई भोज के मंदिर के अंदर जो प्रेम सागर तालाब का स्मरण करना था, जो काम करने की जरूरत थी, कांग्रेस सरकार बोलती है परंतु करा कुछ भी नहीं। भाइयों ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको अब हमको पूरा करने की जरूरत है, हम और आप दोनों मिलकर ये काम करें। गुलाबपुरा के अंदर मुझे मालूम है कि कभी इस तरफ अपना लगाते हैं मंच लगा के तो बात करते हैं, आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, हमेशा आप लोग प्यार देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं जिनका दिल साफ और सच्चा, और जो साथ में खड़े हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज मैंने भी आपके सामने आपकी कुंडली के साथ साथ एक और कुंडली मिलाने का काम फिर से कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले सोचती है कि दोनों की कुंडली मिल जाए तो दोनों जन मिलके प्यार करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करता है, सेवा करता है, मेहनत करता है, किसी का बिगाड़ता नहीं है, किसी की बात को सुन लेता है और सुनकर फिर भी चल के अपना काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं,
आपके हाथ जेब में कभी आप देखोगे इसने हाथ नहीं डाला होगा। आपका सीधा सच्चा साथ चलने वाला ऐसे एमएलए रोज नहीं मिलने वाला। और जो चमक धमक करके सामने आते हैं ना, उनसे थोड़ा डरने की जरूरत है। जो चमक धमक करके आपके सामने आएंगे उनसे थोड़ा डरो, क्योंकि चमक धमक थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद उसी पे आ जाते हैं तो उन लोगों की पुरानी आदतें हैं। और सबकी आदतें आपके सामने हैं, सबकी आदतें, कोई ऐसा नहीं है जो भी आपके सामने खड़ा है जिसकी आदत आप लोग अच्छे तरह से नहीं करते। इसलिए जब इन्होंने मुझे कहा कि आप आओ तो सही, गुलाबपुरा आके जरा देख जाओ, मैंने कहा मैं आऊंगी, इनके साथ मजा भी लूंगी, आपके साथ शाम को बैठूंगी भी, इंजॉय भी करूंगी, परंतु मुझे मालूम है कि ये लोग वो लोग हैं जो परिवार के लोग हैं और जिन्होंने परख करके वोट देने का सोचा है, तो तुम्हें चिंता करने की एक मिनट के लिए जरूरत नहीं है। इनका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर प्रेम मिलेगा। तुम अच्छा काम करोगे तो वो प्रेम डबल करके आपको देने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आई। अब क्या है कि मैं कभी भी किसी की जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करता। मैं तो आप लोग पहले तो आपको डालू मैं उसमें। हाँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हो तो सब हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ कि मैं डालू मांगा इसकी जगह। एक दफा सोच लो, डालू तो जोर से बोल के बताओ मेरे को। याद रखना, ये आपका बच्चा है, ये आपकी सेवा करने के लिए यहाँ तैयार बैठा है, और आप उसी प्यार के साथ इसका काम करेंगे। यही प्यार के साथ वो आपका काम करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास इसको छोड़ रही हूँ। तो जोरदार नारा पहले अपन राम मंदिर जी का करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तैयार करने का बोलते तो गए पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर खड़ा करके तैयार कर दे जिसमें हम दर्शन कर सकें। मैं इनको कह रही हूँ कि मंदिर हो गया तैयार, जनवरी के महीने में हम लोग सब जाके वहां दर्शन कर सकते हैं। तो ये चुनाव हो जाए, आपका एमएलए बन जाए, चलते हैं अपन बन जाए, सबको लेकर साथ जाएंगे, अयोध्या दर्शन करके आएंगे। तो एक बार माना जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की याद करेंगे अपन, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक राजस्थान की याद करें बिना कुछ छोड़ कैसे सकते हैं आपको, इसलिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। आप लोग इसका प्यार से मेरे पीले चावल इनके हाथ में छोड़ के जा रही हूँ। ये बहुत बड़ा त्योहार अपना 25 तारीख को होने जा रहा है, 5 साल में एक दफा आता है। माताएं बहने कोई रोटी नहीं, कोई चाय नहीं, इनको सबको बाहर भेजो, इनको कहना 11 बजे तक अपने वोट डालो, फिर घर आओ, फिर हम खिदमत करेंगे। और मेरे पीले चावल बांध करके देना सबको, और सबको कह देना कि ये प्यार का है नमूना। हम लोग जो वोट डालेंगे तो प्यार से डालेंगे, अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। सब लोग एक साथ मिलकर ये काम करने की तैयारी में, सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद एक दफा और गुलाबपुरा में एक रात बिताने का मुझे मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा माता बहने आप सबको, मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं सत्यनारायण जी तिवारी। एक मिनट मेरे को लिस्ट दे दो। लाओ लिस्ट। कौन